नमस्कार, आप જોઈ રહ્યા છો ટીવી 9 ગુજરાતી, આપની સાથે હું છું વિધિ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ, સૌથી પહેલા વાત હવામાનને લઈને કરીએ। આગામી 24 કલાકમાં કયા પ્રકારનું વાતાવરણ રહેશે તેની જાણકારી આપને આપી દે। અને વરસાદી માહોલ હજુ 24 કલાક ગુજરાતમાં જોવા મળી શકે છે। અમુક વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ વરસી શકે છે। उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र में पवन साथ वरसाद अनुमान है। दक्षिण गुजरात अमुक जिल्लाओं में वरसाद वरसी शके। हवामान विभागे वरसाद ने लईने आगाही करी छे। होने का पूर्वानुमान दिया गया है। वो डिस्ट्रिक्ट है साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद, छोटा उदयपुर, पंचमहल, खेड़ा, अहमदाबाद और गांधीनगर। और लाइट ट्रेन के साथ साथ थंडर स्टॉर्म भी आइसोलेटेड प्लेसेस पे होंगे। तो वरसादी माहौल वच्चे हवामान विभागे चिंताजनक आगाही करी छे। गुजरातवासीओ हीटवेवनो सामनो करवो पड़ी शके छे। राज्यना पांच जिल्लाओने हीटवेवनो सामनो करवो पड़शे। आगामी त्रण दिवस भीषण गर्मीनो सामनो करवो पड़ी शके। भावनगर, पोरबंदर, सूरत अने वलसाडमां हीटवेवनुं अनुमान छे। कच्छमां पण आगामी त्रण दिवस हीटवेवनुं अनुमान। आज कल और परसों डे वन, डे टू, डे थ्री के लिए गुजरात रीजन में वलसाड और सूरत के लिए हीट वेव की वार्निंग दी गई है। और सौराष्ट्र की बात करेंगे तो सौराष्ट्र में आज के लिए पोरबंदर और भावनगर में हीट वेव का पूर्वानुमान दिया गया है। और इसके बाद डे वन, डे टू, डे थ्री के लिए जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर हीट वेव का पूर्वानुमान दिया गया है वो है पोरबंदर, भावनगर और कच्छ। ये डे वन, डे टू, डे थ्री के लिए है।